हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे इस बड़े से हेक्साकॉप्टर ड्रोन। वैसे बड़े होने के बाद भी इस ड्रोन को एक जगह से दूसरे जगह बड़े ही आसानी से ले जा सकते हैं, क्योंकि ये फोल्ड होकर छोटा हो जाता है। इस ड्रोन को फोल्ड और अनफोल्ड करना बहुत ही आसान है। साथ ही ड्रोन का प्रोपेलर सेल्फ लॉकिंग है, इसीलिए हम प्रोपेलर्स को तुरंत लगा और खोल सकते हैं। इस ड्रोन में हमने एक बड़े और पावरफुल बैटरी को यूज किया है, सो इस ड्रोन में हमें 45 मिनट्स का फ्लाइट टाइम मिलता है। इसमें लगा है 3x 4K हाई क्वालिटी कैमरा गिम्बल, जिसे हम 6x जूम भी कर सकते हैं। ये रियल टाइम वीडियो फुटेज हमें रेडियो ट्रांसमीटर के डिस्प्ले में दिखाता है और साथ ही SD कार्ड में रिकॉर्ड भी करता है। गिम्बल के मूवमेंट को हम बहुत ही आसानी से स्क्रीन में टच करके ही कंट्रोल कर सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग अपने ड्रोन को लॉन्ग रेंज तक कंट्रोल करना चाहते हैं, इसलिए मैंने CE का MK15 रेडियो ट्रांसमीटर को यूज किया है और इस रेडियो ट्रांसमीटर से हमें अपने ड्रोन पे 15 किलोमीटर का लॉन्ग रेंज मिलेगा। इस सिंगल रेडियो कंट्रोलर में हमें रेडियो कंट्रोल सिस्टम, वीडियो सिस्टम, टेलीमेट्री एंड एंड्रॉइड के साथ साथ इनबिल्ट बैटरी भी मिलता है। इस ड्रोन में हमने लाइडार सेंसर यूज किया है और ड्रोन के नीचे कुछ भी आए ड्रोन अपना हाइट मेंटेन करता है और सरफेस से टकराता नहीं है। इतना ही नहीं, इस ड्रोन में और भी बहुत कुछ है जो हम वीडियो में आगे देखेंगे, तो आइए मिलकर हम इस ड्रोन को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें अपने ड्रोन के लिए एक फ्रेम सेलेक्ट करना है और मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ ZD850mm का कार्बन फाइबर फोल्डेबल फ्रेम। ये फ्रेम बॉक्स में बिल्कुल अलग अलग टुकड़ों में आता है और इसमें कुछ पार्ट जो है वो कार्बन फाइबर का होता है, कुछ पार्ट जो है CNC एल्युमिनियम मेटल का होता है और कुछ पार्ट प्लास्टिक का होता है। इन सभी टुकड़ों को आपस में जोड़ने के बाद ही हमारा फ्रेम तैयार होता है और इस फ्रेम को तैयार करने में जो भी एक्सेसरीज लगता है वो इसी फ्रेम के साथ में ही आता है। थोड़ी देर के लिए हम फ्रेम को साइड में रखते हैं और बढ़ते हैं अपने मोटर के तरफ। यह है टी मोटर का MN4112 420kV का ब्रशलेस मोटर। ये एक हाई क्वालिटी ब्रशलेस मोटर है और बहुत ही प्रीमियम एंड सेफ पैकेजिंग के साथ ये आता है। ये मोटर 6 सेल तक के बैटरी को सपोर्ट करता है और बहुत ही कम पावर कंजप्शन पे बहुत ज्यादा थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है। ये 14AWG सिलिकॉन वायर और इस वायर को मैंने 18 पीस कट किया है, क्योंकि हमारे मोटर का वायर छोटा था हमारे फ्रेम के आर्म के लेंथ से। सभी मोटर में 3 वायर होता है, जिसे हम फेज वायर कहते हैं और उन्हीं फेज वायर में इन वायर्स को सोल्डरिंग करना है और फेज वायर को लंबा कर लेना है। सोल्डरिंग करने के लिए हमें 80 वाट का सोल्डरिंग आयरन यूज करना है। ध्यान दें कि आपको सोल्डरिंग अच्छे से करना है और अगर आप एक बिगिनर है तो सोल्डरिंग करने में अकेले प्रॉब्लम आ सकता है, तो आप किसी दूसरे का भी हेल्प ले सकते हैं। हमने अपने सभी मोटर को सोल्डरिंग कर लिया है और उस सोल्डरिंग किए गए एरिया को कवर करने के लिए हमें हीट सिंक ट्यूब का यूज करना है। ये हीट सिंक 4mm का है और इसे मैंने 1-1 इंच के लेंथ पे कट किया है। अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सोच रहे होंगे कि वायरिंग टेप से हम इसे कवर कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल मत करना। और एक बात, हमने जो मोटर में वायर यूज किया है सेम वायर आपको भी यूज करना है। हीट सिंक ट्यूब को सिंक करने के लिए मैं यहाँ पे हेयर ड्रायर का यूज कर रहा हूँ। आप यहाँ पे लाइटर या माचिस का भी यूज कर सकते हो। सबसे पहले हम फ्रेम में दिए गए मोटर माउंट प्लेट को अपने मोटर में लगाएंगे। इसे लगाने के लिए मैं M310mm Allen स्क्रू को यूज कर रहा हूँ, जो कि फ्रेम के साथ में ही आया है। वैसे तो मेरे पास इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर है, लेकिन आप इस स्क्रू को लगाने के लिए 2.5mm के Allen की को यूज कर सकते हो। वैसे आप कोई भी ड्रोन बनाओ, आपके पास 3 Allen की होना चाहिए, एक 1.5mm का, दूसरा 2mm का और तीसरा 2.5mm का। जैसे मैं मोटर माउंट को लगा रहा हूँ, सेम आपको भी ऐसे ही लगाना है वीडियो देख करके। वैसे इस फ्रेम में यूजर मैनुअल भी मिलता है, तो आप यूजर मैनुअल का भी हेल्प ले सकते हो। 10-15 मिनट के वीडियो में ड्रोन का असेंबलिंग देखने में बहुत ही इजी लगता है, लेकिन जब आप इसे असेंबल करोगे तो आपको काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है। मुझे भी बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था, इसीलिए हम दोनों भाई मिल करके इसे असेंबल कर रहे हैं। एक एक करके हमने सभी मोटर में मोटर माउंट को इंस्टॉल कर लिया है। ये है कार्बन फाइबर पाइप और ये सिर्फ पाइप नहीं बल्कि यही हमारे फ्रेम का आर्म है। इस ड्रोन को मैं अपने एक कस्टमर के लिए बिल्ड कर रहा हूँ और वो मेरे यूट्यूब पे सब्सक्राइबर भी है। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूब पे मेरे वीडियोस को देखने के बाद अपना खुद का ड्रोन बनाना और बनवाना चाहते हैं। अगर आप भी एक ड्रोन लवर हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हो, क्योंकि मैं अलग अलग तरह का ड्रोन बनाता रहता हूँ। और अगर आपको ड्रोन पार्ट्स, ड्रोन और ड्रोन सर्विसेज लेना है तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट hightechxyz.in को चेक कर सकते हो और ये वेबसाइट हमारे यूट्यूब चैनल से भी लिंक है। तो आप जहाँ पे सब्सक्राइब बटन दिखता है, जस्ट उसी के ऊपर आपको विजिट शॉप का बटन दिखेगा, वहाँ पे क्लिक करके आप डायरेक्टली वेबसाइट पे जा सकते हो। वैसे लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। सभी मोटर को मैंने आर्म में लगा लिया है। अब हमें इसी आर्म में
हमें वो मैकेनिज्म लगाना है जिससे हमारा पूरा का पूरा आर्म फोल्ड और अनफोल्ड होगा। जैसे हमने आर्म के एक साइड में मोटर को माउंट किया है, वैसे ही आर्म के दूसरे एंड में हम इसे माउंट करेंगे। इस ड्रोन के मोटर को रन करने के लिए मैं यहाँ पे हॉबी विंग का 40 एम्पियर ESC को यूज कर रहा हूँ। हमने जो मोटर के 3-phase वायर को आर्म के अंदर से पास करते हुए दूसरे एंड से निकाला है, उसी एंड में हमें इन ESC के 3-phase वायर्स को सोल्डरिंग करना है। यहाँ पे मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि सेम ऐसा ही दिखने वाला रेडी टू स्काई का 40 एम्पीयर का ESC आता है, उस ESC को आप मत यूज करना, वरना फिर आपका मोटर सही से रन नहीं करेगा और आपका ड्रोन फ्लाई भी नहीं करेगा। ये एक हेक्साकॉप्टर ड्रोन है और इसका 3 मोटर क्लॉकवाइज रोटेट करेगा और 3 काउंटर क्लॉकवाइज। सो इन आर्म्स को हमें फ्रेम में इंस्टॉल करने से पहले मोटर के डायरेक्शन को चेक करना पड़ेगा। चेक करने के लिए आप सर्वो टेस्टर का यूज कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली अपने रेडियो ट्रांसमीटर के रिसीवर के साथ भी कनेक्ट करके सिंगल सिंगल मोटर को रोटेट करके डायरेक्शन चेक कर सकते हो। मैंने डायरेक्शन को चेक कर लिया है और अब हम इसमें हीट सिंक को सिंक कर लेंगे ताकि हमारा जो वायर है वो आपस में टच ना हो। 6x6 आर्म को हमने रेडी कर लिया है और अब हमें इस ड्रोन फ्रेम का लैंडिंग गियर को असेंबल करना है। ये एक बड़ा लैंडिंग गियर है और कार्बन फाइबर का है। अगर आप कोई ऐसा ड्रोन बना रहे हो जिसके नीचे आपको ग्राउंड से क्लियरेंस चाहिए और स्पेस चाहिए कोई बॉक्स वॉक्स लगाने के लिए, तो आप इस वाले फ्रेम को बिल्कुल यूज कर सकते हो। पहले भी मैंने इस फ्रेम को यूज करके फ्लावर ड्रॉपिंग ड्रोन और डिलीवरी ड्रोन को बनाया है और आज का ये ड्रोन स्पेशली सर्विलेंस के लिए होने वाला है, लेकिन जरूरत पड़ने पे हम पेलोड भी उठा सकते हैं। वैसे तो मैंने अपने कस्टमर के लिए बहुत सारा अलग अलग ड्रोन बिल्ड करा है, लेकिन हर ड्रोन पे वीडियो बना करके उसे एडिट करके यूट्यूब पे अपलोड करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए बिग ड्रोन पे वीडियो लाऊंगा अगर आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के लिखते हो बिग ड्रोन। इस लैंडिंग गियर के सभी स्क्रूज को हमें अच्छे से टाइट कर लेना है और यहाँ पे हम सॉफ्ट फोम लगाएंगे। इसके लिए हम दोनों तरफ बराबर मेजर कर ले रहे हैं एंड देन हमें दोनों तरफ से फोम को लगा लेना है। ये फोम हमारे ड्रोन को सॉफ्ट लैंडिंग होने पे मदद करेगा। ये है कुछ रबर कैप्स और इन कैप्स को हम यूज करते हैं कार्बन फाइबर के होल को कवर करने के लिए। सिंपली हमें इसे यहाँ लगाना है और इस फोम के ऊपर हम एक रबर लगा देंगे ताकि हमारा फोम जो है वो आगे पीछे घिसके ना। अब इसमें हमें सभी आर्म्स को टाइट करना है, सो यहाँ पे 6x6 आर्म को हम अच्छे से टाइट कर लेंगे एंड अब आप देख सकते हो कि हमारा जो ड्रोन फ्रेम है वो कितना बड़ा है और इसका लैंडिंग गियर भी कितना ज्यादा बड़ा है। अब इसे देख करके लग रहा है कि हाँ, थोड़ा बहुत हमारा ड्रोन कंप्लीट हुआ है। यह है 1550 LT टाइप जिम फेन का कार्बन फाइबर प्रोपेलर। ये प्रोपेलर 15 इंच का है और फुल्ली कार्बन फाइबर का है, इसीलिए बहुत मजबूत है। प्रोपेलर को हमें मोटर के ऊपर रखना है और इस प्लेट को डालने के बाद स्क्रू के मदद से मोटर के थ्रेड को मिलाते हुए स्क्रू को टाइट कर लेना है। वैसे तो हम ड्रोन में प्रोपेलर्स पूरा का पूरा ड्रोन बन जाने और प्रोग्रामिंग हो जाने के बाद इंस्टॉल करते हैं, लेकिन अभी प्रोपेलर्स को इंस्टॉल करने का मेरा मेन रीजन है कि हमने जो 6 मोटर्स को आर्म में माउंट किया है उन 6 मोटर को सीधा करना। तो सीधा करने के लिए हमें क्या है कि 2 मोटर के बीच में जो प्रोपेलर्स का लास्ट हिस्सा होता है उन दोनों को आपस में मैच करना है और जितना भी मोटर है उन सभी मोटर्स के प्रोपेलर्स को मैच करते हुए हमें 6x6 मोटर को सीधा कर लेना है। अगर हमारा मोटर सीधा नहीं रहता है तो उस कारण से हमारा जो प्रोपेलर है वो वाइब्रेट कर सकता है और हमारा जो ड्रोन है वो अनस्टेबल फ्लाई हो सकता है और उसमें बहुत सारा वाइब्रेशन आ सकता है, तो इन सभी प्रॉब्लम्स को हमें फेस करना पड़ता है। तो आप भी जब मेजर करके बराबर करके उसे अच्छे से टाइट करोगे तो आपका ड्रोन भी बिल्कुल स्मूथ फ्लाई करेगा। अभी के टाइम पे हम ड्रोन को अलग अलग पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। अगर आपके पास भी कोई पर्पस है और उसके लिए आपको कस्टमाइज ड्रोन बिल्ड करवाना है तो आज ही आप हमारे कस्टमर सपोर्ट को कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं 9142884517 पर। मोटर के सभी ESC को हमने जिप टाई के मदद से फ्रेम में अच्छे से फिक्स कर लिया है और अब ये नीट एंड क्लीन दिख रहा है। ये है शॉक एब्जॉर्बर और ये एक सॉफ्ट रबर का बना हुआ है और ये इस प्लास्टिक के अंदर में जाएगा। तो ये जो है स्पेशली यूज होगा कि जहां पे हम गिम्बल को माउंट करते हैं तो उस गिम्बल के शॉक को एब्जॉर्ब करेगा। मतलब हमारा ड्रोन जब फ्लाई होता है तो उस टाइम पे थोड़ा बहुत वाइब्रेट होता है, तो जो वाइब्रेशन होता है हल्का फुल्का वो ये जो शॉक एब्जॉर्बर है ये एब्जॉर्ब करेगा और हमारे कैमरा तक वो वाइब्रेशन नहीं पहुंचेगा, जिससे कि हमें अपने कैमरे में एक स्मूथ वीडियो फुटेज मिलेगा। इस कैमरा माउंट प्लेट में मैं 4 शॉक एब्जॉर्बर लगा रहा हूं और इन चारों शॉक एब्जॉर्बर में हम इन 2 कार्बन रॉड को डालेंगे। ये जो 2 कार्बन रॉड है ये हमारे फ्रेम में लगेगा और फ्रेम में मैंने अलग से 4 शॉक एब्जॉर्बर लगा रखा है। तो जैसा कि मैं ये वाला रॉड को इन दोनों के अंदर में डाल रहा हूँ। फ्रेम को ऐसा बनाने का रीजन है कि गिम्बल को भी हम आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं। ये है CUAV का पिक्सॉक V6X। ये CUAV का लेटेस्ट और एक एडवांस फ्लाइट कंट्रोलर है। इसे डिटेल में समझने के लिए आप इसके रिव्यू वीडियो को देख सकते हो, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ये सभी इस फ्लाइट कंट्रोलर का एक्सेसरीज है, जिसमें पावर मॉड्यूल्स, वाईफाई टेलीमेट्री एंड कनेक्टर एंड केबल्स शामिल है। इस फ्लाइट कंट्रोलर को ड्रोन में माउंट करने के लिए 2 तरीका है, या तो आप स्क्रू से टाइट कर सकते हो, लेकिन हमारा स्क्रू और फ्रेम का थ्रेड आपस में मैच नहीं कर रहा है तो हम यहाँ पे डुअल साइडेड टेप का यूज कर रहे हैं। ये डुअल साइडेड टेप हमारे इसी फ्लाइट कंट्रोलर के
साथ में आता है। जब हम इसे पेस्ट करते हैं फ्रेम में तो आपको ध्यान रखना है कि इस फ्लाइट कंट्रोलर के क्यूब को आपको सेंटर लेकर के फ्रेम के सेंटर पे इसे पेस्ट करना है। ये है सी का A8 मिनी 4K 3-axis कैमरा गिम्बल। ये कैमरा गिम्बल बहुत ही छोटा और लाइट वेट है। इस कैमरा से रेडियो ट्रांसमीटर में हमें रियल टाइम 4K वीडियो मिलेगा, साथ ही हम SD कार्ड में रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। रेडियो ट्रांसमीटर इस कैरी बैग के अंदर आता है और हम इससे रेडियो ट्रांसमीटर को इजिली कैरी कर सकते हैं। इस रेडियो ट्रांसमीटर को हम ऑल इन वन रेडियो ट्रांसमीटर या फिर 3-in-1 रेडियो ट्रांसमीटर भी बोलते हैं। यह इस रेडियो ट्रांसमीटर का रिसीवर और इस रिसीवर को हम डुअल टेप की मदद से अपने फ्रेम में चिपका लेंगे और इसी रिसीवर में हमारा पावर मॉड्यूल लगा हुआ आता है जो कि 4 to 18 cell तक के बैटरी को सपोर्ट करता है। दोस्तों माफी चाहूंगा, किसी कारण यहां से आगे का वीडियो डिलीट हो गया है, इसीलिए इस ड्रोन का मेकिंग यहीं तक दिखा पाऊंगा। मैंने इस ड्रोन को रेडी कर लिया है, हमारा ड्रोन बन करके तैयार है। आइए हम इस ड्रोन के कुछ मोड्स को समझ लेते हैं और इसके बाद हम इसे आउटडोर फ्लाई करने के लिए जाएंगे। इस ड्रोन में मैंने 3 फ्लाइट मोड सेट किया है। पहला है स्टेबलाइज, दूसरा है एल्टीट्यूड होल्ड और तीसरा है लुइटर। साथ ही इन दो बटन्स में मैंने RTL और लैंड सेट किया है। RTL मतलब जहां से आपका ड्रोन फ्लाई हुआ है वहीं पे वापस ऑटोमेटिकली आके लैंड होगा, और लैंड का मतलब है कि जहां पे फ्लाई हो रहा है जस्ट वहीं पे लैंड हो जाएगा। ड्रोन को हम बड़े ही आसानी से टेक ऑफ कर सकते हैं। सिंपली हमें टेक ऑफ एल्टीट्यूड सेट करना है और स्लाइड करना है। अभी मैं इस ड्रोन को कंट्रोल नहीं कर रहा हूं, अभी ये पोजीशन होल्ड मोड में है और अभी हम इस ड्रोन के बैटरी का फ्लाइट टाइम टेस्ट करेंगे। एंड यहां पे हमारा टाइमर स्टार्ट है। मैं इस ड्रोन को जिस कस्टमर के लिए बना रहा हूं उनका रिक्वायरमेंट है कि इस ड्रोन से हमें ज्यादा फ्लाइट टाइम मिले, तो देखते हैं कि इसमें हमें कितना फ्लाइट टाइम मिलता है। इस ड्रोन से हमें 45 मिनट तक का फ्लाइट टाइम मिला जो कि बहुत ज्यादा है। अब हम चेक करते हैं लैंड मोड को। सो सिंगल क्लिक पे हमारा जो ड्रोन है वो ऑटोमेटिकली लैंड हो जाता है, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं। ये एक ऑटो पायलट ड्रोन है और इस ड्रोन से हम मिशन प्लानिंग या फिर वे पॉइंट कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने एक मिशन प्लान किया है और सिंपली स्लाइड करके हमारा जो ड्रोन है वो टेक ऑफ हो जाता है और ऑटोमेटिकली हमारा ड्रोन खुद ब खुद उसी मिशन को फॉलो करता है और वापस से उसी जगह पे आकर के लैंड हो जाता है जहां से हमने ड्रोन को टेक ऑफ किया था। आसान भाषा में समझे तो आप ड्रोन को फ्लाई करने से पहले ही एक पाथ देते हो, जैसे कि पॉइंट ए से आपको टेक ऑफ लेना है ड्रोन को इतने हाइट तक, फिर पॉइंट बी में जाना है इतने स्पीड में, फिर पॉइंट बी से पॉइंट सी में जाना है इतने स्पीड पे, और फिर डी से यहां पे डी में फिर थोड़ा देर रुकना है और फिर ई के बाद वो लैंड करेगा। तो इस तरीके का आप अलग अलग तरीके से मिशन जनरेट करके ड्रोन को दे सकते हो और जब ये मिशन पे काम करता है तो वो ऑटोनोमस मोड में होता है और आपको कंट्रोल करने का नीड नहीं होता है। जैसा कि आप यहां पे देख सकते हो, वो खुद फॉलो करता है उस पाथ को और वो सारा डिटेल आपको रेडियो ट्रांसमीटर पे दिखता रहता है। साथ ही जो हमारा कैमरा है उसमें कैमरा का वीडियो फुटेज भी दिखता रहता है। तो ये ड्रोन बहुत ही हेल्पफुल है। अगर आप ऑटोनोमस ड्रोन बनाते हो तो आप सर्विलेंस कर सकते हो, मैपिंग कर सकते हो, एग्रीकल्चर में इस तरीके का सिस्टम यूज होता है, तो अलग अलग पर्पस में आप इसे यूज कर सकते हो। ओके, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इसी तरीके का वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। फिर मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में। और हाँ, अगर आप लोग हमारे वेबसाइट के बारे में नहीं जानते हो तो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, सो वेबसाइट को जाकर एक बार जरूर चेक करो।